राधे राधे मित्रों, आज मैं दिखाने वाला हूँ वृंदावन की रसोई, जहाँ पर निःशुल्क भोजन बनेगा। देखिए मित्रों, ये जो सामने है यह रसोई है और यहाँ पर सभी वृंदावन आने वाले यात्रियों के लिए भोजन बनाया जाएगा। और ये है मथुरा वृंदावन रोड, जो मथुरा की तरफ से आ रहा है और वृंदावन की ओर जा रहा है। तो जैसा कि आप मित्रों ये सामने देख रहे होंगे, जिस पर ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, ये है रसोई जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाई है। इसे मित्रों मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है अन्नपूर्णा रसोई जिसका नाम है। और इसे इसी साल 19 अगस्त 2022 का उद्घाटन किया जाने वाला है और इसे योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये रोड के पास में है, जैसा कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल रोड पर ही है। यह मथुरा वृंदावन रोड पर है और इसे जो है कांच मंदिर के पास बनाया गया है, जयपुर और कांच मंदिर के बीच में। जैसे ही आप कांच मंदिर क्रॉस करेंगे तो आपको रोड पर ये दिखाई दे जाएगी और उसी हाथ पर पड़ने वाली है। अगर आप मथुरा की तरफ से आ रहे हैं तो ये राइट साइड पर दाईं तरफ इस बनी हुई आपको दिखाई दे जाएगी। आप यहाँ पर किसी को भी पूछ सकते हैं कि अन्नपूर्णा रसोई कहाँ है, जिसका उद्घाटन 19 अगस्त 2022 यानी जन्माष्टमी वाले दिन योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं। उन्होंने इसको बनवाया है सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन मिल सके। तो अगर मित्रों आप वृंदावन आ रहे हैं दर्शन के लिए तो आप यहां पर भोजन कर सकते हैं अन्नपूर्णा रसोई में, और ये निःशुल्क भोजन वितरण होगा यहां पे। और इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनवाया गया है इसी साल, तो इसका उद्घाटन 19 अगस्त 2022 को है। हो सकता है ये वीडियो आप जो है उद्घाटन होने के बाद देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, और आप यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर खा सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस पे टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर जो पागल बाबा के मंदिर के पास है, वहाँ पर जो है आप 50 रुपये में रुक सकते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है, और वहाँ पे 50 रुपये में भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा वृंदावन में अंदर आएँ कांच मंदिर के पास, वहाँ पर यहाँ पर फ्री में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।